जहां गाजा की खूनी जंग के बीच मिलने लगे हैं महायुद्ध के संकेत, अमेरिका ने कहा हर कीमत पर करेंगे इजराइल की रक्षा। ये बदहवासी, ये चीख, ये चित्कार गाजा की नियति बन चुकी है। हमास और इजराइल की जंग का सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ रहने वाले लोगों को हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कफन में लिपटे शवों की तस्वीर सामने नहीं आती। अब तो शव दफनाने के लिए जमीन भी कम पड़ने लगी है। आज खबर ये आई है कि जब मध्यस्थता को लेकर बातचीत जारी थी, तब सेंट्रल गाजा में बारूदी हमला हुआ, बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। गाजा की तरफ से कहा जाता है कि इसराइल ने 10 महीने में 40,000 से ज्यादा लाशें बिछा दी, इनमें 17,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि हमास के 17,000 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। इन आंकड़ों के बीच अमेरिका का कहना है कि अगर अब भी कत्लेआम नहीं रुका तो फिर तीसरा विश्व युद्ध रोकना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने कहा ऐसे वक्त में इसराइल की हिफाजत करेंगे। The commitment of the United States to Israel's security. When Israel was attacked directly by Iran back in April, we have deployed additional assets to the region. We are fully prepared to defend Israel. इधर हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट अटैक का वीडियो जारी हुआ, जिसके बाद इजराइल ने भी अपने सेना के ऑपरेशन की तस्वीरें जारी कर दी। हमास चीफ की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल पर हमला करने से रोका जाए, लेकिन दोनों ही संगठन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।